नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। दो गोल्ड जैसे स्टॉक बेचना मत, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा, राइट। जैसे आप सभी को पता है कि आज मार्केट की जो कंडीशन थी, ऑलमोस्ट टूट रही है। निफ्टी सेंसेक्स लगातार टूट रहे हैं, राइट। और लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है कि यार कि मार्केट यहाँ से क्रैश तो नहीं कर जाएगी, जैसे बहुत पहले हुआ था 2020 के आसपास। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट बिल्कुल भी क्रैश नहीं होने वाली। ये छोटी मोटी करेक्शन है, इस करेक्शन में आपको स्टॉक्स को बाय करके ही चलना चाहिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं, राइट। तो मैं अभी निफ्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मात्र दो पेन स्टॉक के बारे में, ठीक है। वैसे तो लार्ज कैप स्टॉक भी है, लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ मात्र पेन स्टॉक के बारे में। तो अगर आपके पास ये दो स्टॉक्स हैं तो भूल कर भी बेचना मत। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप ये काम करते हो तो यार दोस्तों, मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके साथ मेरी रियल नॉलेज शेयर करने में। जैसे कि आपको पता है, हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। अगर आप ये काम करोगे शेयरिंग का, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा मेरा जो रियल नॉलेज है, मेरे इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? इंस्टाग्राम या ट्विटर के हैंडल के माध्यम से, जो प्राइवेट क्लास होती है। तो मैसेज कर देना अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक्स चाहिए। वैसे जो यूट्यूब में डालता हूँ वो भी रियल नॉलेज है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तो वह बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं वो यहाँ बताता हूँ आपको मेरे प्राइवेट क्लास में। तो आ जाओ, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो यार दोस्तों, यूट्यूब में आपको बहुत सारे हमारे गुरु मिल जाएंगे जो आपको पेन स्टॉक रिकमेंड तो करते हैं, राइट। लेकिन वो स्टॉक्स आपको सस्ते में रिकमेंड नहीं करते हैं। तो मैं जिन दो पेन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये दोनों स्टॉक्स हमने आपको इसी चैनल के माध्यम से सजेस्ट किए थे। और मैं यही बोलूंगा, ये दो स्टॉक नहीं है, मैंने आपको अनगिनत स्टॉक्स रिकमेंड किए जो काफी अच्छा पैसा भी आपको बना के दे रहे होंगे। बस शर्त है, अगर आपने स्टॉक को सस्ते में बाय किया हो। अब सस्ते का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, कुछ लर्निंग भी देना इंपॉर्टेंट है। जिस स्टॉक का RSI मोर देन 80 होगा डेली चार्ट में, नेवर बाय दैट स्टॉक, ठीक है। उसको बाय कब करना है? जब स्टॉक का अपर सर्किट खुलता है और स्टॉक का RSI बिलो 60 आता है, तब आप स्टॉक को एकुमुलेट करके चल सकते हो। जैसे देख सकते हो, ये वो स्टॉक है, PMC फिनकॉम लिमिटेड। अगर आपके पास ये स्टॉक है, भूल कर भी मत बेचना। देखो, यहाँ अपर सर्किट में जा रहा था, फिर जुलाई के बाद स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, और स्टॉक का RSI अगर आप चेक करोगे तो इसका कूल डाउन हो गया था। और जैसे कूल डाउन होगा, आप स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हो अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, क्योंकि पेन स्टॉक्स में पैसा मल्टीप्लाई भी होता है और मल्टी भिखारी भी बनाता है। तो अब आपको क्या चाहिए वो आप खुद तय करो, ठीक है। अगर थोड़ा रिस्क लोगे तो पैसा बनेगा, और अगर आप उस पैसे से रिस्क लोगे जो आपका वेस्ट होता है, और उसको डायरेक्शन देके यहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो भाई आपके लिए तो आप बोल सकते हो कि आपका लॉस जीरो है, प्रॉफिट बहुत हाई है, क्योंकि आप उस वेस्ट हुए पैसे को यहाँ डायरेक्शन दे रहे हो। जैसे कि दारू में उड़ा देते हो, स्मोक में उड़ा देते हो, और जो दूसरे तंबाकू खा के उड़ा देते हो। जैसे आपको पता है, आजकल सब सेलिब्रिटी तंबाकू, गुटखा, पान, सुट्टा, वीड़ी का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास जॉब्स नहीं है। तो समझने का प्रयास करना, जो पैसा वहां डालते हो उसको डायरेक्शन देनी है इस तरफ बस, ठीक है। तो ये स्टॉक है PMC फिनकॉर्प, और थोड़ा देख भी लो ये स्टॉक हमने आपको कितने रुपए में सजेस्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग नए भी आए इस चैनल में। ये देखो, सितंबर का वीडियो है, लेकिन यहाँ आपको नवंबर 23 दिख रहा होगा विवेक राणा स्टॉक करके, ठीक है। नवंबर 23 मतलब 1 साल पहले ही ये स्टॉक आपको सजेस्ट किया था, और उस समय स्टॉक का प्राइस 33 पैसे ट्रेड करता था। आज 1 साल हो चुका है और स्टॉक का प्राइस आपके सामने कहाँ ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो। कहाँ ट्रेड कर रहा है भाई? 2 रुपये 84 पैसे, और हाई स्टॉक पे 3 रुपये का लगाया है। और बोल देना चाहता हूँ, ये स्टॉक के मेरे जो टारगेट है बहुत बड़े हैं। मेरा जो स्टॉक का व्यू था ना, शुरू से बहुत बड़ा था। जो ये अभी आपको दिखाया था 33-34 पैसे का, वो शॉर्ट वीडियो था, और उसी मैंने आपको बता दिया था कि ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। अब आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा, और स्टॉक के प्रॉफिट लगातार अच्छे आ रहे। 1 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दिया है। अगर आज की बात करता हूँ, स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी देख लो आज कैसा आया है, दिखा देता हूँ आपको, नीचे दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड। देखो, ये रहा BSE, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दिया हमने आपके सामने, नीचे लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वॉल्यूम। आप देख सकते हैं 15 लाख क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है 2 रुपए के प्राइस में भी, और 100% की डिलीवरी उठाई जा रही है, ठीक
तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक कितना अच्छा हो सकता है। अगला स्टॉक है इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है, ये स्टॉक भी काफी सस्ते में रिकमेंड किया था और ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। अगर आपके पास है मत बेचना मत बेचना मत बेचना, बाकी आपकी मर्जी, जब बेचना बेचो भाई, तुम्हारा पैसा है, कौन रोक सकता है। लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली फ्यूचर में एक मल्टीपल स्टॉक पैसा बना के आपको दे सकता है। वॉल्यूम देखो 27 लाख क्वांटिटियां रोजाना ट्रेड की जा रही है, 100% का माल लोग घर लेके जा रहे हैं। एक फाइनल स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक भी आपको बताता हूँ। स्टॉक का नाम है वियान इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी जी के बच्चे के नाम से कंपनी चलाई जाती है वियान इंडस्ट्री। एंड दोस्तों ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ठीक है। 2014 में 34 पैसे था, हाई लगाया 40 रुपये का, दोबारा नीचे ले रहा है, नीचे गिर रहा है। और ध्यान देना, ये जो हाई इसने लगाया ना, ये लगा रहा है लोअर हाईस का पैटर्न बना रहा है। लोअर हाईस का पैटर्न क्या होता है, समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये L1 लगाया, ये L2 लगाया, ये 34 पैसे का लो इसने नहीं तोड़ा, इसके ऊपर एक हाई बना दिया इसने 50 पैसे का। तो इसको बोलते हैं लोअर हाईस का पैटर्न। और देखो इसका H1 ये हो गया, तो H2 अब आप खुद डिमांड कर लो कितना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 रुपये जाएगा, लेकिन मेरा तो टारगेट चूंकि बड़े हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ बुक कर लेना 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, लेकिन ये H2 बनाएगा, ये मेरा अनुमान कहता है। इसलिए मत बेचना, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, डेफिनेटली होल्ड करो, बेचना नहीं है स्टॉक को, ठीक है। बाकी ये दो स्टॉक थे, और ये तीसरा स्टॉक मैंने आपको एक ऐसी दे दिया, इसको भी आप नजरों में रख सकते हो। इसमें भी दोस्तों देखो वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 13,10,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई है देखो, और 100% की डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये स्टॉक तो आप अपर सर्किट में जा रहे हैं, अब क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों दोस्तों देखो, यहाँ स्टॉक का प्राइस आपका 3 महीने से डब्बा बना रहा था, इसको बोलते हैं एकुमुलेशन जोन, वेयर यू कैन एकुमुलेट द स्टॉक, और यही स्टॉक को हमने एकुमुलेट किया था। अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो अलग कहानी है। जब बाय करा जाता है स्टॉक को, ध्यान रख लो, पैनी स्टॉक को अगर बाय करना है तो तब बाय करो जब वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो। दिस इज द रेंज वेयर यू कैन इन्वेस्ट, और दिस इज द रेंज वेयर यू कैन सेल। यहाँ अपर सर्किट चल रहा है, तो यहाँ आपको बाय नहीं सेल करा जाता है। ये लॉजिक जिस तुमने समझ लिया ना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और पैनी स्टॉक में ध्यान रख लो, कभी भी बाय जल्दबाजी में मत करो, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का वेट करो, राइट इंफॉर्मेशन का, राइट अपॉर्चुनिटी का। जब लगे कि प्राइस सस्ता है, बाय द स्टॉक, राइट। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियोस बनाऊं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह फॉलो कर लो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए हमारे, तो डेफिनेटली शेयर कर देना और मैसेज कर देना।